बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है, एक अहम फ़ायदा है आप लोगों के लिए जिससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पर बात करेंगे वीडियो के शुरू में, पहली न्यूज़ में। उसके बाद बैंकों की तरफ से कुछ नई फ़ीस लागू की गई है जो कि पहले ही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब नया ऐलान किया गया है और ये खुफिया तौर पे न्यूज़ में आया है और इस पर आपको तभी पता चलेगा जब आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। इस पर मैं तफसीली दो तीन बैंकों का बताऊँगा जिन्होंने ख़ास तौर पर ये फ़ीस लागू की है और वो फ़ीस आने करीब जो है आपके अकाउंट से काट ली जाएगी, इस पर बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन का नया पॉलिसी ऐलान क्या है और कौन अफेक्ट होंगे और कब से ये लागू होगा, इस पर बात करेंगे। बच्चों की नेशनलिटी का वालदैन को क्या फ़ायदा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या नया ऐलान किया गया जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है हमारी वो कतलूनिया में रहती है और कतलूनिया में रहने की वजह से कतलूनिया के जो अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं मैं अमूमन तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इसी तरह का एक पैकेज आप लोगों के लिए लीक है जो कि कतलूनिया की हुकूमत ने लॉन्च किया। इसका लिंक नंबर 1 के नाम से नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। असल में कतलूनिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके जो यूरोपीय यूनियन टोटल फाइनेंस कर रही है इस प्रोग्राम के लिए टोटली फ्री कोर्सेज का ऐलान किया है। ये कोर्सेज इस वजह से मुनफरिद हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो लोग पारों पे हैं वो भी कर सकते हैं, जो फारग है इस वक्त बिल्कुल अयूदा वगैरह ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि ये तमाम कोर्सेज ऑनलाइन है और ये कोर्सेज में एक और अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आप कोर्स चूज़ करके उसको बेहतर कर सकते हैं। आम तौर पे जो कोर्सेज हैं नीचे आपको लिंक मौजूद है मिल जाएगा, जो कोर्सेज आप नीचे स्टडी करेंगे अमूमन तौर पे जो ज़्यादातर कोर्सेज हैं वो 40-40 घंटे के हैं, यानी कि आपने ऑनलाइन 40 घंटे आपने मुकम्मल करने या सर्टिफिकेट जो है आपके घर आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होगा और ये ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन और कतलूनिया की हुकूमत की तरफ से आपको लॉन्च किया जाएगा। इसमें बेशुमार कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपकी जो ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको निखारने के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं वन बाय वन अगर उनका नाम लेना शुरू करूं तो ये वीडियो जो है वो उसी में मुकम्मल हो जाएगी। इस वजह से मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं और लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे तमाम तरीक़ाकार और तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। जो लोग करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसको लाजमी तौर पर करें, इसमें अपना दराज करवाएं क्योंकि बाद में हो सकता है कि वैकेंसीज इसमें ना हो। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लिंक मैंने दिया है आपको उसके सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीफोन नंबर है, वो टेलीफोन नंबर बिल्कुल फ्री है। वो आपने 90 देख के घबराना नहीं है कि शायद ये एक्सपेंसिव हो, वो टेलीफोन टोटली तौर पर फ्री है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं और उनसे मालूमात ले सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। और जहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए कम अज़ कम स्पेनिश आपको ज़बान आनी चाहिए तभी आप ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं ये इन इंग्लिश में बहुत कम आपको मिलेंगे, कतलान में मिलेंगे और स्पेनिश में मिलेंगे। इस वजह से आपको स्पेनिश कम से कम लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए और अच्छी आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए इन कोर्सेज के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन आपको कोई मसला बनता है तो आप उनको समझा सकें ताकि वो आपको सलूशन प्रोवाइड कर सके। बैंकों की तरफ से नई फीसों का काफ़ी ज़्यादा शोर पिछले एक हफ्ते से जो है वो मुख्तलिफ लोगों की ज़बान से है। कुछ मेरे जानने वालों ने कहा कि हमारे अकाउंट से इतनी इतनी अमाउंट जो है वो काटी गई है और कुछ न्यूज़ में जब मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की तो न्यूज़ में इन्होंने खामोशी के साथ चंद एक न्यूज़पेपर में इस खबर को शाया किया है और चंद एक आर्टिकल इस पर लिखे गए हैं। ख़ास तौर पे एक इंग्लिश वेब न्यूज़ है उस पर इसका जो है वो डिटेल के साथ उन्होंने बताया। मैं नीचे लिंक भी दे देता हूँ आपको
लिंक नंबर 2 जो है आपको वो मिल जाएगा। उस लिंक में उन्होंने ख़ास तौर पे निशानदेही की है लकाशा की तरफ और संतदेव बैंक की तरफ। लकाशा और संतदेव दोनों बैंकें ऐसी हैं जो कि ख़ास तौर पे अपनी फीसें बढ़ाने जा रही है, और इन्होंने जनवरी से बढ़ाई हुई है, जो कि अब सुनवाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने लोगों के अकाउंट से पैसे काटे हैं। यानी कि अप्रैल के 30 तारीख को जैसे महीना पूरा हुआ है, अब उन्होंने मई में लोगों के पैसे काटना शुरू कर लिए हैं। ये पैसों की क्या उन्होंने तरतीब रखी है और किस तरह से काटेंगे, इस पे मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि आप भी इससे महफूज रह सकें। इससे बचने का तरीका भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बैंकों की तरफ से जो नई फीस लागू की गई है, वो हर 4 महीने की 60 यूरो आपके अकाउंट से कटेंगे, और साल के ये बनते हैं 240 यूरो। अगर तो आपकी तनख्वाह 600 यूरो से ज़्यादा है और बैंक के ज़रिए आती है, इसके साथ साथ आपके 3 जो घर के बिल हैं वो, इसके साथ साथ आप हर महीने 3 खरीदारियां करते हैं, तो फिर आप पे कोई भी फीस लागू नहीं होगी। लेकिन आप इनमें से किसी एक को मिस करते हैं तो फिर आप पे ये फीस लागू होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन 300 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। ये ख़ास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लकाशा और संतदेव दोनों बैंकों की जानिब से कर रहा हूँ। इन दोनों के यही रूल है, रेगुलेशन है। अगर आप फीस से बचना चाहते हैं तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप तैयार हो जाए कि आप जो है वो साल के 240 यूरो देंगे और हर 4 महीने के 60 यूरो देंगे, जो कि लाजमी तौर पर अब ये हुकूमतें के सरपरस्ती में लाजमी तौर पे चार्ज करेगी। ये याद रहेगी, ये हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे इनके चार्जेस को बढ़ाने की परमिशन मिली है, तो उसके बाद इन्होंने ये तमाम स्टेप्स उठाए हैं, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि इनके बहुत सारी ब्रांचेज जो है बंद होने की वजह ये है कि ये एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है ये बैंकें, लेकिन फिर भी हुकूमत से रिलीफ लेने के बाद इन्होंने ये नए सरचार्ज जो है वो बढ़ा दिए हैं। अब आपने किस तरह से ये मैनेज करना है, इस पे मैंने बेबी वे पे भी, आप इसी चैनल पे जाएंगे तो बेबी वे के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी तरीका है कि आप इन फीसेस को किस तरह से इनसे बच सकते हैं। वहाँ पे वो तरीका जो मैंने बनाया हुआ है बेबी वे बैंक में, वो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन का नया ऐलान, यूरोपीय यूनियन ने नया ऐलान जो किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023 के मई में। असल में ये ऐलान उन 63 कंट्रीज़ पे है, और साथ साथ अमेरिका भी इसमें इंक्लूड है, जिनकी फ्री इंट्री है यूरोपीय यूनियन में। यानी कि हर वो मुल्क जिसकी 60 दिन की इंट्री है उस पर ये लागू होगा, और वो ये कानून है कि 7 यूरो हर एक विजिटर को लाजमी तौर पे करना पड़ेंगे स्पेन में या किसी भी यूरोपीय मुल्क में, किसी भी शेंजन स्टेट में। अगर वो इंटर होते हैं तो उनको लाजमी तौर पे 7 यूरो सिक्योरिटी टैक्स के नाम से देना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 3 के नाम से दे दूंगा, आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये टैक्स जो है ये असल में शुरू किया गया अगेंस्ट टू यूके। यूके ने सबसे पहले अनाउंस किया £7 पर एंट्री, उसके अगेंस्ट यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया था 7 यूरो पर एंट्री, जो कि अब 2023 के मई के लिए इन्होंने प्रिपेयर कर लिया। और मई के बाद जो भी लोग यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क में भी आएंगे और उन ममालक से आएंगे जहाँ की फ्री इंट्री है, तो उनको लाजमी तौर पे ये टैक्स टैक्स जो है ये पे करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को। बच्चों की नेशनलिटी पे वालदैन क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस पे आ रहे हैं। बच्चों की नेशनलिटी, अनफॉर्चुनेटली स्पेन में अगर आपके बच्चों की नेशनलिटी मिलती है उससे वालदैन को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। पार्टनर को मिलती है उससे दूसरे पार्टनर को ये फ़ायदा हो जाता है, मियाँ को अगर मिली तो बीवी को, बीवी को मिली तो मियाँ को, कि उसको तरखीता कुमनीतारियाँ मिल जाता है। वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन चले कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका मिलता है एक दूसरे को। लेकिन अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों की नेशनलिटी का फ़ायदा वालदैन को इतना ज़्यादा नहीं मिलता, सिवाय इसके कि अब वो कुछ अर्सा ज़्यादा अपने बच्चों को अपनी होम कंट्री में रख सकते हैं, दूसरे मुल्क में रख सकते हैं, स्पेन से बाहर रख सकते हैं।
अदरवाइज़ इसके अलावा और की ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऐसे मुल्क में पढ़ाना चाहते हैं जो कि इंग्लिश है, तो उसमें आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं कि उनको वीज़े भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा फिर भी उनको लेना पड़ेगा क्योंकि अब यूके भी यूरोपीय यूनियन में नहीं रहा। आयरलैंड में अगर ले जाके आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये है कि आप वहाँ पर ले जाके इनको यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए उस मुल्क में पढ़ा सकते हैं, जहाँ की फीसेस भी इन पे कुछ एग्जेप्शन होगी। और इस पे अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा कि आयरलैंड में बच्चों को किस तरह से हम कम फीसेस में पढ़ा सकते हैं। ओवरऑल जो है बच्चों की नेशनलिटी का वालदैन क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं है, बच्चों को बहरहाल इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में और आपकी आसानियों के बारे में बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि वक्त के साथ साथ आपको जो है उसका पता चलता जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनके लिए नई राहें खुलेंगी, यहाँ पे उनके लिए मुलाजमतें के मौके होंगे क्योंकि वो यहाँ के नेशनल हैं, उनको अपनी एलिजिबिलिटी शो करना पड़ेगी तो यहाँ पर वो अपनी उन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।